दीपावली पर बुकिंग कराएं और स्कूटी फ्री ले जाएं स्मार्ट ऑटोमोबाइल से। एक बार चार्ज करें और 80 किलोमीटर तक का सफर करें। ना रजिस्ट्रेशन का झंझट, ना आरटीओ की आवश्यकता। नो पॉल्यूशन, इको फ्रेंडली, सेफ राइड, नो फ्यूल। तो आज ही आए रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर के बगल में अलादीन पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड मऊरानीपुर, स्मार्ट ऑटोमोबाइल मऊरानीपुर। प्रवेश कुमार, ग्राम प्रधान, चिरगांव खुर्द, झांसी की ओर से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस त्योहार बांटिए अपनों के साथ प्यार, दीपावली पर घर लाइए कुछ खास उपहार। आइए मां पीताम्बरा इलेक्ट्रॉनिक्स मऊरानीपुर और ले जाइए स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जरूरत का सामान आसान किस्तों पर। आजमगढ़ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने मंडलीय चिकित्सालय का आज औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मिली तमाम शिकायतों की जांच कराकर उस पर कार्रवाई कराने का भरोसा दिया। आजमगढ़ में मंडलायुक्त के अचानक मंडलीय चिकित्सालय पहुंचते ही वहां पर मौजूद डॉक्टरों व कर्मियों में हड़कंप मच गया। कमिश्नर ने वहां पर पहुंचते ही साफ सफाई का जायजा लिया। इसके बाद वहां पर मौजूद अटेंडेंस रजिस्टर की भी जांच की। इस दौरान कई डॉक्टर अनुपस्थित मिले। कमिश्नर ने मरीजों के वार्ड के भी हालात का जायजा लिया। मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी उन्होंने पूछताछ की। इस दौरान दलालों की सक्रियता व बाहर से दवा लिखने की शिकायत पर उन्होंने जांच कर कार्यवाही का भरोसा दिया। अस्पताल में मौजूद दवा स्टॉक में भी मेंटेनेंस को लेकर असंतोष जताया और उसके बारे में सारी डिटेल को तलब किया। अन्य शिकायतों पर भी स्वास्थ्य अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा भी मौजूद रहे। देखिए ऐसा है, दोनों चीजों को बताना चाहिए, जो कमियां हैं और जो अच्छी चीज है, दोनों चीजों को। तो पहले मैं अच्छी चीज को बताऊंगा, जो यहाँ अच्छी चीज है, मैंने आज दूसरी बार औचक निरीक्षण करा तो यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था मुझे कमोबेश अच्छी मिली। मात्र एक टॉयलेट में मुझे गंदगी मिली, बाकी जो है और जगह साफ सफाई, अस्पताल में जो औसत साफ सफाई मैं और जगहों में भी रहा हूँ तो वहाँ से मुझे अच्छी मिली। तो जो उतनी अच्छी चीज़ यहाँ नहीं मिली, जो कुछ मेरे को डॉक्टर्स हैं जो कि अनधिकृत रूप से अवकाश में मैंने पाए, तो उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई करने के लिए यहाँ के जो चीफ हैं उनको निर्देश दिया है। सीएमओ साहब से भी कहा है कि उसको देखें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। यहाँ एक डिजिटल एक्सरे मशीन है जो कि बहुत लंबे समय से खराब पड़ी हुई है, तो वो जो मेंटेनेंस जिसको दिया गया है ठेका, तो उसको जल्दी उसको ठीक करवाया जाएगा। और कुछ दवाई में, कुछ स्टॉक में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ थी, लेकिन इस बार वो जो यहाँ पे स्टॉक इंचार्ज है उन्होंने मुझे बताया कि 3 दिन पहले उनके भाई की डेथ हो गई, वो इसलिए मेंटेन नहीं कर पाए। तो मैं उनको एक चेतावनी देने के साथ इस बार छोड़ रहा हूँ और कहें अगली बार जब मैं पाऊंगा तो फिर उसका सघन निरीक्षण करूंगा। तो ये एक मैंने जो छोटा औचक निरीक्षण करा था उसके सारांश में। आजमगढ़ से कयामुद्दीन की रिपोर्ट।